आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी वंदे भारत देख पाकिस्तानी मायूस हुआ। अच्छा जी, चलिए देखते हैं जी पाकिस्तानी को वंदे भारत से क्या प्रॉब्लम है। पहले मिलके देखते हैं ये वीडियो पे, उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भैया, वंदे भारत ट्रेन ने एक बार फिर पाकिस्तानियों के दिलों पर सांप लौटने पर मजबूर कर दिया है। आपको तो पता ही है वंदे भारत लगातार लॉन्च हो रही हैं। कल भी शायद कल परसों भी 10 लगातार एक साथ 10 वंदे भारत लॉन्च हुई हैं अलग अलग रूट्स पर। और ज़बरदस्त इसको सराहा जा रहा है, पूरे देश में पसंद किया जा रहा है और बहुत शानदार ट्रेन है। तो कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इन इंडिया गेम चेंजर फॉर इंडियन रेलवे, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। चलिए भाई देखते हैं, भारत की इस तरक्की को देखकर पाकिस्तानी क्या कहते हैं। इधर चलकर पाकिस्तानी आवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। बेसिकली आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो रेलवे के हवाले से है। कभी लाइफ के अंदर पाकिस्तान रेलवे के ऊपर जो है ट्रेन में आपको सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र तो किया है मैंने। कितना अच्छा एक्सपीरियंस गया? 3-4 दफ़ा किया है, लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने सफ़र किया था उसमें ज़रा फरिश्ते नज़र आ गए थे, तो उस वजह से अब फरिश्ते नज़र आ गए थे। हाँ जी, तो वो जाहरी बात है आप देख लें, 75 साल हो गए हैं हमारे मुल्क को बने हुए और पाकिस्तान में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी हमें वो पुरानी वही गाड़ियाँ अंग्रेज़ों की दौर की पटरियाँ चलती आ रही हैं, पुराने डब्बे चलते आ रहे हैं, उनको ही रिपेयर किया जा रहा है और आए दिन कोई ना कोई सानिया हुआ होता है। तो मजबूर लोग हैं, जो जिन बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग जाते हैं, सफ़र करते हैं मजबूरी के तहत, नहीं तो किसका दिल करता है कि वो पुराने खटारे डब्बों में सफ़र करें। सर, भारत हमारा पड़ोसी कंट्री है, अगर मैं बात करूं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है सर, वहाँ पे उसका वर्जन लॉन्च किया जा रहा है। सर कहा ये जा रहा है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगी, ओवरनाइट मतलब जो है वो सफ़र होगा सारा, और बहुत सी एयरलाइंस को उसने एक टफ़ टाइम दे दिया है। मतलब किस तरीके से सर देखते हैं अगर हम पड़ोसी कंट्री के रेलवे के निज़ाम की बात करें और अगर अपनी कंट्री के साथ उसको कंपेयर करें? सर, इंडिया को अगर आप देखें तो बहुत सी चीज़ों में हमारे से बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, और उसके अलावा आप बांग्लादेश को देख लें और अफगानिस्तान को देख लें। ठीक है, और हम कुछ साल पीछे चले जाएँ तो हम उनसे आगे थे, लेकिन अब हम उनसे भी पीछे आ गए इन सारों से। तो ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, हमारे वज़ीरों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, क्या तरह हम वो बसें बनाई जा रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन बनाई जा रही है जिसका बिल्कुल फ़ायदा ही कोई नहीं है। बिल्कुल, तो हमने इस तरह फोकस ही नहीं किया। लोग किराया भी ज़्यादा देते हैं और उनको माहौल भी नहीं सही मिलता, सफ़र भी नहीं सही मिलता। और ट्रेन में आप देख लें क्या कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे चले जाएँ पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, वाशरूम साफ़ नहीं है, आए दिन रास्ते में कोई ना वो स्ट्राइक हुई होती है या ट्रेन ख़राब हो जाती है, इंजन ख़राब हो जाता है, और जो सफ़र 4 से 5 घंटे का सफ़र है वो 10-10, 12-12 घंटे लग जाते हैं उस सफ़र को तय करने। 17 से 18 घंटे लगते हैं। और अगर थोड़ा आपसे ये मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ ना, वो 4 घंटे का सफ़र है। मैंने 2-3 दफ़ा सिंध का सफ़र किया है, मैं उधर कराची हम गए थे तो रास्ते में हमारी 18 घंटे ट्रेन ख़राब रही है, इंजन वो चेंज करते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, और हम उसी जगह में बैठे रहे हैं। वहाँ पे फिर एक गांव था, वहाँ पे गए, वहाँ से चीज़ें ले गए, खुद ही अपने बल बूते पे ही लेकर खाते पीते रहे हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने, किसी वजीर ने कोई आ गए हमारी कोई मदद नहीं की। बहुत से लोग कह रहे हैं वाशरूम का भी बताएं। वाशरूम तो बस वो बाहरी लोग करते हैं जाके, ज़्यादा अंदर तो बहुत बुरे हालात हैं। सर मुझे ये बताएं क्या यहाँ पे इंसान नहीं रहते? क्या पाकिस्तान का रहने वाला जो शहरी है सर वो डिज़र्व नहीं करता कि उसको भी बुलेट ट्रेन मिलनी चाहिए? अब अगर पड़ोसी कंट्री इंडिया के अंदर इतना जदीद अगर ट्रेन का सिस्टम मुतारफ़ करवाया जा रहा है या वहाँ पे अगर इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, तो सर पाकिस्तान में रहने वाले लोग क्यों मतलब अभी भी मतलब जो है सफ़र कर रहे हैं? सर ये बस यही है कि पाकिस्तान में ये लोग कहते हैं कि गरीब मारी जाए और अमीर बस रहे,
तो अमीर किसी को मुझे बताया ना कौन ट्रेन में सफ़र करता है आजकल, वो ए, वो एरोप्लेन पे वो जहाज़ की टिकट कराते हैं लोग और पहुंच जाते हैं बाहर, या अपनी पर्सनल गाड़ियां लोगों की पाकिस्तान में। तो वो ये गरीब जो भी हर चीज़ है पाकिस्तान में गरीब बंदे के लिए ही है, वो गरीब बंदा हर जगह धक्के खा रहा है, जलीलो ख्वार हो रहा है, वो चाहे आटे की लाइन है, वो इधर आप किस कहीं भी हॉस्पिटल चले जाएँ गरीब ही धक्के खा रहा है, अमीर खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये ट्रेन की तस्वीर है, आप मुझे देख के बताएं इस तरह की ट्रेन जो है आपने कभी पाकिस्तान के अंदर मतलब कभी देखी हो, कभी आपको इस तरह का मिला हो नज़ारा देखने को? नहीं, पाकिस्तान में तो ख्वाब ही देखी है, तो रियल में मैं शायद हमारे बच्चे देख सकें, दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे और ये हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचे। क्या ट्रेन होगी जो कि एयरलाइंस को टफ टाइम दे रही है कि वो मतलब परेशान है कि इस तरह की ट्रेन आ रही है? तो सर रिसेंटली पीछे चाइना वालों ने हमें ऑफर की थी, लेकिन हम ऑफर इन्होंने उनकी एक्सेप्ट नहीं की हमने, तो वो उन लोगों ने तो हमें कहा था कि हम आपको कराची तक बना के देते हैं, लेकिन अब ये हुक्मरान बेहतर जानते हैं क्या मामला था क्या नहीं। सर जापान की अगर बात करूं, वो भारत के अंदर 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट का बुलेट ट्रेन मतलब जो है वो बना रहा है, सर आखिर क्या वजह है कि बहुत सी कंट्रीज़ पाकिस्तान का रुख नहीं करती हैं, इंडिया में जाती हैं और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मुआहदे करती हैं, यहाँ पर अगर कोई आता भी है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके आता है? सर वो बात यही है कि ये लोग पहले अपने आप को देखते हैं, अपना सोचते हैं, अवाम के बारे में सोचते नहीं ना, हमारे बारे में अगर ये सोचना शुरू कर दें तो आज तक पाकिस्तान इंडिया से बांग्लादेश से सबसे आगे होना था इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान आप देख लेना पाकिस्तान को बने को 75 साल हो गए हैं और मुझे लगता है एक दो ट्रेनें हैं जो नई बनी हैं बस, नहीं तो सारी पुराने अंग्रेज़ों का ही सारा, वो अंग्रेज़ों के दौर की पटरियाँ और उनके आप जाके ऑफिस वगैरह देख लें, उनका सामान देख लें, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग सारा पुराना वो अंग्रेज़ों का ही सामान चल रहा है अभी तक। लास्ट आपसे एक बात करूँगा, मुझे ये बताएं अब ये टाइम आ गया कि किसी को बताएं भी तो गुस्सा खा जाता है, वो कहता है नहीं यार बात ना करो, अगर कोई कर रहा है तो करने दो, बात ही ना करो। सर ये हालात आ गए हैं कि अब हम देख भी नहीं पा रहे कि हमारा पड़ोसी कंट्री कितना आगे निकल रहा है। सर वो बात वही आ जाती है, जो सही बात करता है उसको वैसे ही गायब कर दिया जाता है या उठा लिया जाता है, तो ये है कि बस जैसे निज़ाम चल रहा है वो चलाई जा रहे हैं, अपना निज़ाम वो सीधा करी जा रहे हैं, बैंक बैलेंस उन भरी जा रहे हैं और बाहर नेशनैलिटी बाहर की कंट्रीज़ की उनको नेशनैलिटी मिली जा रही है, तो जो इधर है वो बेचारा वो वैसे ही जलीलो ख्वार हो गया, उसने वैसे ही मर जाना है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर ही करेगा, दुआ कर सकते हैं, बाकी ये कि फ्यूचर फ़िलहाल तो कुछ भी नज़र आ रहा, पाकिस्तान के जो हालात हैं वहाँ वो बेहतर तो नहीं हो रहे, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई नेक असबाब पैदा करे और अच्छे हुक्मरान अता करे, बाकी आपके सामने है हर चीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इलियास। क्या करते हैं सर आप? मैं सा इंजीनियर, सब इंजीनियर रेलवे में। सर वेरी नाइस, सब इंजीनियर रेलवे के अंदर जी। तो सर कितने साल सर्विसेज आपने वहाँ पे दी? मैंने की 42 साल, 7 1 महीना 7 दिन। 42 साल आप? 42 ईयर्स। हाँ 42 ईयर्स अपनी जिंदगी के आपने पाकिस्तान रेलवे सिस्टम को दिए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर क्या लगता है कितना जदीद सिस्टम हो गया, अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ? बहुत अच्छा हो गया, मैं देखे ना कि इतना अच्छा है ये ट्रेन के जनाब, अब आपको जो आने जाने की सहूलत बहुत है, ठीक है ना, लाहौर से कराची जाओ या कोयटा जाओ या पिशावर जाओ, जहाँ दिल चाहता आप जाएं, ठीक है ना, तो अल्लाह का बहुत करम है जनाब, बहुत ईमानदारी से काम किया है रेलवे। कितना टाइम लगता है अगर यहाँ से कोई पैसेंजर लाहौर से कराची ट्रैवल करे? हाँ। कितने घंटे में आपके ख्याल में वो पहुँच जाता है? ज़्यादा तो मेरा ख्याल 16-17 घंटे में पहुँच जाता है, इसलिए डिले हो जाती है कि वो जो सवारी के टेलीफोन अब आप हैं, ठीक है, रेलवे के GM, ठीक है ना, वो टेलीफोन करते भाई लियाज साहब ट्रेन को रोक के रखना, साहब आ रहे हैं, इसलिए वो हो जाती है ना, माननी बात तो माननी पड़ती है उनकी।
हाँ, अगर नहीं मानेंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी रेलवे से। बेसिकली आज जो मैं टॉपिक जिसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, 75 साल हमें भी हो गए हैं आज़ाद हुए हुए, 75 साल सर हमारे पड़ोसी कंट्री भारत को भी हो गए हैं। सर वहाँ पे एक वंदे भारत ट्रेन स्लीपर ट्रेन जो है सर, जो उसका वर्जन है वो लॉन्च किया जा रहा है। मैं चाहूँगा, क्योंकि आपने तकरीबन 42 साल सिस्टम में रेलवे के अंदर ही आपने सफ़र किया है, सर किस तरीके से ये गाड़ी देख के आपको ट्रेन देख के लगता है कितना जदीद हो गई है? बहुत जदीद हो गई है, देखो ना हर चीज की सहूलत है। ये ट्रेन है, ये देखें ये ट्रेन है जो कि भारत में लॉन्च हो रही है। अच्छा। सर कैसी लग रही है, देख के कैसा लग रहा है आपको, इसकी शेप, इसका डिजाइन वगैरह? इस तरह की पाकिस्तान में आपने कोई ट्रेन देखी है इतनी खूबसूरत? नहीं, इतनी खूबसूरत नहीं देखी। क्या वजह है सर? मतलब यानी कि कहा यह जा रहा है कि ये 160 किलोमीटर का सफ़र जो है वो एक घंटे के अंदर सर तय करेगी। एयरलाइंस को इसने टफ टाइम दे दिया, ट्रेन सिस्टम ने ओवरनाइट जो है वो सारा सफ़र हो जाया करेगा। सर आखिर क्यों इतनी एडवांसमेंट हो गई है? देखें ना, अब एक आप ताला लगा के जाते हैं, हमारे तो ताला लगा हुआ, हम बोल नहीं सकते, समझ रहे आप? हमें तो ताला लग गया, समझ रहे ना? इसीलिए हाँ समझ रहे ना, बस इससे आगे मैं कहना नहीं चाहता। हमारे को तो ताला लगाए के कहने नहीं कुछ आप। अच्छा, चाहे आसपास के मुमालिक जितनी मर्जी तरक्की कर, मर्जी करें, आप चुप रहें बस। रात में किस तरह बेहतरी सर देख रहे हैं आप? पहले हम अपनी जेब देखेंगे ना, फिर वैसे अप्रिशिएट करना चाहिए अगर जिस तरह पड़ोसी किसी कंट्री में अगर बहुत जदीद किस्म की कोई ट्रेन अगर लॉन्च की जा रही है, एज अ पाकिस्तानी सर अप्रिशिएट करना बनता है या अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे उसमें भी मसला है? मसला है ना, कैसे कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते कि भारत में हो रही है। हाँ, कैसे कर सकते हैं, पता तो है आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नसरीन खालिद। क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हूं। हाउसवाइफ हैं, लाइफ के बेचारे दादा परेशान थे, क्या करें, मुंह सिल के रहना पड़ता है, बोलना मत कुछ भारत की तरक्की के बारे में वरना हमारे लोग जान जाएंगे, फिर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, बोलो ही मत, आंख मूंद लो, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर गाड़ लो, कुछ नहीं, दुनिया में सब ठीक हो रहा है जी। नाम नसरीन खालिद। क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हूं। हाउसवाइफ हैं, लाइफ कैसी जा रही है? अल्लाह का शुक्र है। बेसिकली आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं वो रेलवे सिस्टम के हवाले से है। कभी पाकिस्तान में आपको रेलवे के ऊपर कभी सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ? मैं पहले शुरू में जाया करती थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है बेटे के पास गाड़ी है। सही। तो अब तो कभी भी नहीं गई, लेकिन ये मैंने सुना हुआ है कि हमारा जो रेलवे का निज़ाम जा रहा है ना वो खसारे में जा रहा है। आपने वैसे जो खुद ट्रैवल किया, आपने कैसा देखा है, मतलब कैसा फैसिलिटी सिस्टम है वहाँ पे, किस तरह का माहौल है अगर देखा जाए, ट्रेन्स कैसी हैं? ट्रेन में तो मैंने सफ़र किया है, लेकिन ये था कि इंतज़ाम वो जो वहाँ पे था हमला वो ठीक था, लेकिन ये है कि सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं था। ओके। और मैंने जहाँ तक ये देखा है कि अब आप कह रहे हैं कि ट्रेन तो बनानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो गरीब तबका है उनके लिए सहूलत है, और वो जो लोग हैं उनको तो ये चाहिए कि उनको जितनी भी सहूलियात दी जाए, ट्रेन में सफाई हो, ट्रेन में हर चीज़ का इंतज़ाम हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि पाकिस्तान में हर इतना नहीं है, ये एक कह ले गवर्नमेंट का ही है ना ट्रांसपोर्ट का, तो वहाँ का जो गवर्नमेंट का अमला है वो इतना केयरफुल नहीं है। अच्छा, मैं बेसिकली जिस टॉपिक पे आपसे आज चाह रहा हूँ रिएक्शन लेना, वो इंडिया के अंदर एक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जो है स्लीपर ट्रेन जो है उसका वर्जन लॉन्च किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी? कहा यह जा रहा है ओवरनाइट सफ़र हुआ करेगा 160 किलोमीटर पर आवर, मतलब एयरलाइंस को भी टफ टाइम वो दे रही है स्पीड के हवाले से अगर देखा जाए। आती हूँ कि ये हो इनका और उनका, ये ट्रेन के जरिए ही हमारा दोस्ताना माहौल हो जाए, पाकिस्तान का हो जाए, और अल्लाह करे कि इनका मसलन बाहमी तावन से उनको भी सहूलत हो और हमें भी सहूलत हो, ठीक है ना? तो अगर तो ये हमारे मुसलमानों के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, तो ये होना चाहिए। लेकिन एक ट्रेन मुसलमानों के लिए स्पेसिफिक है, उस पर तो कोई भी सफ़र कर, ट्रेन तो एक गाड़ी है जिस पर सफ़र करना है, हाँ, उस पर मुसलमान हो नॉन मुस्लिम हो कोई भी हो तो बैठ के ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है। पता क्या है, मैं ना मेरा जो बेसिक ये मैं कहना चाहती हूँ कि भारत के मामले में ना मैं थोड़ा सा, ठीक है, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? यही कहती हूँ कि चाहे मुसलमान या इंसानियत के नाते जहाँ भी रहते हैं,
सब आपस में भाईचारा होना चाहिए, सब आप एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और एक दूसरे के साथ कोई रंजश, कोई दुश्मनी, कोई इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम? दुश्मनी से याद आया, रमजान का महीना चल रहा है ना आप लोगों का, एक खबर पढ़ी मैंने, खबर थोड़ी पुरानी है, नई नहीं है, खबर पुरानी है, माइंडसेट के लिए वो खबर मुझे याद आ गई। पाकिस्तान में एक हिंदू बुजुर्ग को, 80 प्लस का बुजुर्ग होगा, उसको पता है क्यों मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया? क्योंकि आप लोगों का रमजान का टाइम चल रहा था और उस बेचारों को भूख लगी हो तो उसने केला खा लिया और उस बुजुर्ग हिंदू आदमी को इतना पीटा गया, 80-85 साल उम्र रही होगी, तस्वीर लगी है आप देख सकते हैं, ये आप ही के अखबार की खबर है। आप कहते हैं भाईचारे से रहे, यह है भाईचारा? रमजान आपका पर्व है, आपका त्यौहार है, आप मना रहे हो, आप उसमें हिंदू को खाने से क्यों रोकोगे? और रोको छोड़ो, आपने उसकी पिटाई कर दी, बुजुर्ग आदमी की पिटाई कर दी, खबर पुरानी, मैं फिर कह रहा हूं क्यों? अब इसका उल्टा कर दो, हमारा मान लो कोई पर्व चल रहा है, मान लो दशहरा चल रहा है जी, 9 दिन तक उसमें भूखे रहते हैं और मुसलमानों को कोई मारे कि तूने कैसे खा लिया, ये कोई लॉजिक है? ये तो पागलपन है, गुंडे ही है। लेकिन आप लोग इसमें कहते हो कि ये तो जी मजहब का काम है, बड़ा असबाब क्या कहते हैं उसका काम है, और आप कहती हैं कि जी भाईचारे से रहो, ये है भाईचारा पाकिस्तान में? क्या टॉपिक कुछ और था, लेकिन अब याद आ गया भाईचारे से ना, कि मैं भारत के बारे में थोड़ा उस तरह से बात नहीं कर सकती, बाद में उन्होंने कट करके निकाल दिया जो बोला होगा उन्होंने, तो भाईचारे की बात की उन्होंने संदेश, तो बातें करने में थोड़ी ना पैसे लगते हैं और कोई दिक्कत होती है, उसको असलियत में करने में ग्राउंड पे दिक्कत होती है, वो पाकिस्तान में नहीं होता। आपका नाम? रबील। क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ के आप स्टूडेंट हैं, वकील बनने जा रहे हैं आप पाकिस्तान के, सर मुझे ये बताएं इस टाइम हालात कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान की अगर बात की जाए? पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं साहब, कोई बंदा अपना सोचता है, जो कुमड़ान आता है वो अपना सोचता है, कोई हुकूमत का, कोई अवाम का नहीं देख रहा कि अवाम किस जगह स्टे कर रही है, गरीब तबका गरीब होता जा रहा है, अमीर तबका अमीर ऊपर जाता जा रहा है, उनको इतनी फैसिलिटी दे दी उन्होंने कि गरीबों का कोई हाल नहीं है, हमारे लिए भी पेट्रोल सेम वैल्यू पे है, उनके लिए भी पेट्रोल सेम वैल्यू पे है। ये बताएं कभी किसी रेलवे के हवाले से कभी आपने कभी ट्रैवल करने का मौका मिला हो पाकिस्तान में, कभी मौका मिला आपको लाहौर से किसी सिटी जाने का? जी जी, रावलपिंडी का अक्सर ही चक्कर लगता रहता है उधर। अच्छा, आप ट्रेन के यूज़र हैं? जी जी। किस तरीके का आपको लगता है कि अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ, हमारी ट्रेन के निज़ाम की बात करूँ, कैसा सिस्टम है इस टाइम पाकिस्तान का? निज़ाम बहुत लो है, एक तो उधर तो सीट ही नहीं ना है फैमिली के लिए, अगर आपने जाना है तो पहले आप वीक के पहले बुकिंग कराओगे आप, फिर आगे देखते हैं कि बुकिंग में भी सीट मिलती है कि नहीं मिलती, एक अगर आपने अर्जेंट जाना है तो उसके लिए आप फिर खड़े होकर जाओगे, जितना मर्जी सफ़र है, भावें आपने कराची जाना है, भावें हमने किसी जगह पर भी जाना हो तो खड़े होकर जाना है, बुकिंग करा के भी मे बी के जगह ना मिले। प्यारे भाई, एक हमारा पड़ोसी कंट्री है भारत, मैं उसके हवाले से ख़बर लेके आया हूँ, वहाँ पे बेसिकली न्यू वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है उन्होंने इसका वर्जन लॉन्च किया है। सर, कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो है वो चलेगी और ये एयरलाइंस को टक्कर देने जा रही है, जिस लेवल की, जिस क्लास की, मतलब जो है ट्रेन उन्होंने बनाई है। ओवरऑल वैसे भी अगर बात की जाए तो बुलेट ट्रेन के ऊपर वहाँ पर काम हो रहा है, सर किस तरीके से देखते हैं इंडियन रेलवे सिस्टम को आप? इंडिया हर किस्म से आगे निकल गया हुआ है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, इंडिया अभी मारे के एक दिन बाद आज़ाद हुआ है, लेकिन वो हर चीज़ में मेहनत करता है, उसको जो सा भी नया बंदा आता है उसको सपोर्ट करता है। ओ भैया, सो कॉल्ड बनने वाले वकील, वकील बन रहे हो ना, सबूतों के साथ बात करते हो ना, वकील का तो काम यही है सबूत दलील देना। आप तक अगर वीडियो पहुंचे, मेरा चैलेंज है, आपने अगर ये साबित कर दिया कि आप आज़ाद हुए थे तो आप जो कहोगे मान लूंगे, और सो कॉल्ड आज़ादी आपको भारत से एक दिन पहले मिले थी ये भी साबित कर दूंगा। चैलेंज है, लॉ के स्टूडेंट हो ना, पाकिस्तान के लॉ का स्टूडेंट को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कानून का स्टूडेंट है, सबूत चाहिए, साबित कर दोगे ना मान जाऊँगा तुम्हें, और नहीं साबित किया ना थूक के चाटना। वैसे तो पाकिस्तानी इस बात में माहिर है थूक के चाटने में, मेरा वीडियो अगर तुम देखो सर्च करना बेटा, बच्चे हो अभी, सर्च करना।
कि पाकिस्तान किसका गुलाम था और पाकिस्तान को किससे आजादी मिली, कौन से दस्तावेज में लिखा है कि पाकिस्तान को आजादी मिली, और कौन से दस्तावेज में लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत से एक दिन पहले सो कॉल्ड आजाद हो गया। वो वकील साहब करियर खत्म कर दूंगा मैं, शुरू होने से पहले ही वकालत आपकी धुस हो जाएगी, साबित करो अब। और जो भी पाकिस्तान के यूट्यूबर भी जो बोलते हैं कि हम आजाद हुए, आप साबित करके बताओ, चैलेंज आपको कि आप आजाद हुए, सबूत होगा ना, कोई कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट। और अगर नहीं साबित कर पाते हैं तो आप लोग ये झूठ बोलना बंद करिए कि आप आजाद हुए, बंद कर दीजिए झूठ बोलना, वरना हर बार मैं टोकूंगा, हर बार बोलूंगा। सपोर्ट करता है, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे जिस मर्जी फील्ड में हो, उसको सपोर्ट होता है। हमारे मुल्क में सपोर्ट नहीं करते, उस बंदे को गैप कर देते हैं। जैसे हमारे एरिया में अल्फा टावर बना है, वो जो लेडी थी जिनके नाम पे बना है, वो पता नहीं किधर है। इस तरह ही है ये हमारे पाकिस्तान में, कोई किसी किस्म का सपोर्ट नहीं है, जो करना है आपने अपने दम पे करना है। सर, आपको नहीं लगता यहाँ पे रहने वाले उनको भी जो है वो बुलेट ट्रेन में सफ़र करना चाहिए, इधर भी ओवर नाइट जो है लाहौर से कराची का सफ़र होना चाहिए सारा, यहाँ पे 20-20, 22-22 घंटों में जहाँ सफ़र हो रहा है, सर क्या वजह है कि पड़ोसी कंट्री इतना आगे निकल गया? वो सपोर्ट है ना, उनको हर चीज़ की सपोर्ट है, उनको एजुकेशन की सपोर्ट है। अब हमारे मुल्क में कोई काम होना आता है, हम बाहर से इंजीनियर मंगवाते हैं, उनके अपने इंजीनियर इतने हैं कि उन्होंने स्टडी को इतना उन्होंने इम्प्रूव कर लिया है कि वो अपने इंजीनियर उनका काम कर लेते हैं। अब मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो जितनी फील्ड पहले फीस जितनी जाती उससे डबल फीस उन्होंने कर दी हुई है, और सहूलतियाँ वही हैं, टीचर वही हैं, सारा कुछ वही है, फैसिलिटी वही है। इस गवर्नमेंट अदारे के तो आप पूछो ही ना कि कुछ उधर से आपको मिलेगा सही, नंबर इतने मेरिट उन्होंने कर दिया, 100 में से सिर्फ 50 बंदे वो बाहर से लेते हैं, बाकी 50 उनके अपने भर्ती होते हैं। सर आखिर क्या वजह है कि अब इंडियन ट्रेन्स को भी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो चाह रही हैं कि हम मेड इन इंडिया की बनी हुई ट्रेन्स को अपनी कंट्री में इस्तेमाल करें? कहा यह जा रहा है बहुत जल्द भारत अपनी बनी हुई ट्रेन को जो है वो दूसरे ममालिक के अंदर भी एक्सपोर्ट करेगा। सर आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान भी भारत से इस तरह की ट्रेन्स लेगा? उनकी तो वैसे ही पहले नहीं बनती पाकिस्तान भारत से, क्या वो तो उनको सलाम करना नहीं बड़ा के। आखिर क्या वजह? वजह यही है कि पाकिस्तान को घुमाना अपना सोच रहे हैं, सिर्फ अवाम का कुछ नहीं ख्याल है कि अवाम किस जगह पे ब्लोन कर रही है, क्या है, क्या साहब है, क्या नहीं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देख लिया, जाहिर सी बात है, देखिए भारत की बराबरी आप बाकी तो कहीं नहीं कर सकते। रेलवे में करने के लिए आपको 100 साल लगेंगे कम से कम, और तब तक हम और भी बहुत आगे निकल चुके होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन रेलवे सिस्टम है, लेकिन हम उसे बेहतरीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और वो काम ग्राउंड पर दिख रहा है। बुलेट ट्रेन का काम ग्राउंड पर दिख रहा है। वंदे भारत हमने प्रॉमिस किया कि साल के भीतर 75 देंगे, तो कहीं तो मुझे लगता है कि 25-30 तो शुरू हो गई, और 5 साल में 400 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन हम चलाने वाले हैं। भारतीय रेलवे का नक्शा बदल रहे हैं हम। अब आपको वैसी ट्रेनें नहीं नजर आएंगी, अब आपको बिल्कुल आधुनिक मॉडर्न सुविधाओं से लैस ट्रेन नजर आएगी, और वंदे भारत उसी में से एक है। बुलेट ट्रेन चल जाने दीजिए, फिर आप देखिए, एक रूट पर काम चल रहा है, दूसरा रूट भी फाइनल हो चुका है, दिल्ली से वाराणसी वाला। अब दिल्ली से बनारस के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगी, भले हो सकता है 5-7 साल 10 साल लगेंगे अब इसको आने में, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग ये तो कहते हैं, ऐसा थोड़ी कि जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ ठीक हो गया। आप इंफ्रा पे देखिए कितना काम हो रहा है, और किस तरह से हर राज्य में हर जगह अलग अलग इंफ्रा डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि भारत बदल रहा है, ये नया भारत है, ये दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है। और ट्रेन सिस्टम में हम पीछे थे, अब हम पीछे नहीं हैं, अब हम चीजों को कर रहे हैं। करीब करीब 90% जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है ट्रेन हमारी, सोलर एनर्जी से चलने लगी है ट्रेन हमारी। कहां पर हैं आप, किस दुनिया में हैं? भविष्य यही है। डबल ट्रैक हमने कर दिया है हर तरफ, करीब 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 करीब, जिन जगहों पे कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ट्रेन पहुंचा देंगे, हम वहां पर ट्रेन पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर इसका जीता जागता उदाहरण है। तो अभी तो भारत ने शुरुआत की है सर, अगले 5-7 साल में आप रेलवे को देखेंगे चमकता हुआ दमकता हुआ, और कई सारे फैसिलिटीज हम उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरकार की वजह से नहीं होगा, हम लोगों को भी सीखना होगा कि भाई साफ सफाई का ध्यान रखें,
संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए कि ट्रेन में से मग्गा खोल लिया तो ये तोड़ कर ले गए, वो तोड़ कर ले गए, पत्थर मार दिया। क्यों मारते हैं पत्थर भाई? आपकी सुविधा के लिए। किस बात की चिढ़ है? और पाकिस्तान के साथ तो कोई तुलना ही नहीं है यार। पाकिस्तान आज तक अपना कुछ भी नहीं बना पाया। अभी लास्ट टाइम आपके ट्रेन के जो डब्बे थे वो भी चाइना से आपने मंगवाए थे। ट्रेन के डब्बे चाइना बनाकर आपको दे रहा है, और हम यहां पर, हम तो यहां पर इंजन बनाते हैं और दुनिया भर में ट्रेन के इंजन, लोकोमोटिव जिसे कहते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रेन के पहिए एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेन के डब्बे एक्सपोर्ट करते हैं, वंदे भारत हम खुद एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वंदे भारत को हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। कई देशों को ट्रेन एक्सपोर्ट कर चुके हैं हम। किस चक्कर में पड़े सर? कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, ना हमारे रेलवे सिस्टम का, ना हमारे रेलवे बिजनेस का मुकाबला ही नहीं। आप बताएं आपकी राय क्या कहती है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था वंदे भारत लॉन्च हो रही है, स्लीपर ट्रेन, उससे पाकिस्तानियों की राय ली जा रही थी और पाकिस्तान में रेलवे का निजाम कैसा है उस पर बात की जा रही। पाकिस्तान में रेलवे का निजाम नहीं है, यहाँ पे कोई भी रेलवे सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। सही मानों में अगर कहा जाए तो रेलवे पे, रेलवे का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है और हर तरह की वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। जैसे हम भारतीय ट्रेनें देखते हैं, खास करके जो वंदे भारत है, और उस पर हम जो व्लॉग्स देखते हैं, जो सफाई है, जो मेट्रो का निज़ाम है, जो रेलवे का निज़ाम है, जो ज़बरदस्त तरह की वहाँ पे ट्रेन चलती हैं, वैसे ही लगता है कि यार ये जो इसमें सफ़र है वो बड़ा ही आरामदेह सफर होगा। लोग एंजॉय करते हैं उस सफर को, खाना मिलता है ट्रेन में, चाय नहीं हिलती, पानी नहीं हिलता, हर तरह की वहाँ पे सहूलत होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम पिछले दिनों, अभी रिसेंटली जो मुजफ्फर चौधरी साहब गए, क्योंकि वो जाते रहते हैं अपने रेहिया, हाँ, तो वहाँ पे जो ट्रेन थी वो ऐसे ऐसे गोले खाए जा रही थी। और ये वो ट्रेन है, इसका पता नहीं चलता, कभी किसी दरिया को इसका रुख हो जाता है, कभी किसी खेत की तरफ मुड़ जाती है, तो कभी किसी भाई वो पैसेंजर को लेने जाती है भाई। वैसे हमारा तो रेलवे का निज़ाम बिल्कुल बेड़ा गर्क है। मैंने बहुत सालों पहले एक दफा सफर किया था, एसी क्लास में गया था, लेकिन उसका भी कोई लेवल नहीं है। वाशरूम वगैरह की सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं है, खाना बिल्कुल ही नहीं मिलता, स्टेशन से लेकर खाना पड़ता था, और वो खाना इतना, मैं क्या करूं, बेकार बनाते हैं कि आप समझ लें कि हर चीज़ दो नंबर थी। पूरे फैसलाबाद से लेकर कराची तक का सफ़र है, मुझे एक भी ओरिजिनल ना कोल्ड ड्रिंक मिली है, ना कुछ और मिली है, और चाय पीने को दिल किया है तो वो भी एक दो घूंट भर के वापस ही किए कि भाई ले जाओ अपनी चाय वापस। ऐसा है हमारा निज़ाम। तो फिर भाई हमारे सिंध, अंदरूनी सिंध में चले जाए ना, तो वहाँ पे लोगों ने जो ट्रेन की ये पटड़ियाँ है ना, ये उतार उतार के घर में छतों पे गार्डर डाले हुए हैं ये ट्रेन की पटड़ियों के। ऐसे ट्रेन का हमारा निजाम है कि जो अंग्रेज डाल के चला गया था गलती से, वो भी उतार उतार के इन्होंने छतों पे जो है वो गार्डर की जगह पे ट्रेन की पटड़ियाँ डाली हुई है। ये हमारा निजाम है ट्रेन का। और जो हमारे पास ट्रेनें हैं वो इस तरह की हैं कि अल्लाह माफ़ करे, एक दफ़ा रावलपिंडी से मैं सादकाबाद गया था, तो तकरीबन 3 घंटे का सफ़र था, तो मेरे ख्याल से 14 से 16 घंटे हमें लग गए थे, कि वो और ट्रेन क्रॉस होनी थी, तो फिर वो क्रॉसिंग पड़ गई रास्ते में, तो 5-6 घंटे वहाँ पे लग गए। ऐसे करते कराते 14-15 घंटे उन्होंने लगा दिए, और हमारे जो हमारी कमर जो थी ना, ऐसे जैसे टूट गई है, बैठ बैठ के ना खड़ा हो सके आदमी, ना बैठ सके आदमी, वो बस ऐसा निज़ाम इन्होंने किया हुआ है कि जैसे वो जानवर नहीं हाँकते, जानवरों को हाँका हुआ है एक डब्बे के अंदर भरा हुआ है, बस उनको लेके जाना है, बस कोई उनके पानी का ख्याल नहीं है, कोई उनके वॉशरूम का ख्याल नहीं है, कोई उनके खाने का ख्याल नहीं है, कोई किसी किस्म की इंसानों वाली सहूलत कोई भी एक भी हमारी ट्रेन में नहीं होती। ये ऐसी ट्रेन है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितने भी ये वजीर और मशीर बनते हैं ना किसी भी महकमे में, ये अकेले रेलवे में नहीं है, वो सबसे पहले अपनी तिजोरियों को देखते हैं कि कैसे भरना है, फंड आना है तो उसमें से हमने करप्शन कैसे करनी है, सबसे पहले ये चीज़ हम देखते हैं कि हमने करप्शन कैसे करके अपनी तिजोरियों में भरनी है। जब ये हमारा माइंडसेट होगा तो भाई हमारे रेलवे का निजाम फिर ऐसे ही होगा। बिल्कुल जी, 70 सालों से और वो खसारे में ही चल रहा है, खसारे में इतना कुछ जो उसका बेच दिया है, पटड़ियां, लोहा, पता नहीं क्या क्या डब्बों बेच दिए हैं। हमारे जो गुजरा है उनके महल बन गए, लेकिन जो रेलवे है वो खसारे से नहीं निकल सका। तो ये हमारा अलमिया है,
देखिए कि जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे फंड्स लगाए जा रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं भाई, वो नजर भी आ रहा है। और आज देखिए कि आज से 10 साल पहले देखिए उधर भी इतना कोई बेहतरी नहीं थी रेलवे की। हम देखते थे कि रेलवे की छतों के ऊपर भी लोग चढ़े होते थे, लेकिन इन 10 सालों में देखिए कैसा चमत्कार हो गया है कि वहां पे अब वंदे भारत, बुलेट ट्रेन और पता नहीं क्या क्या और जो है वहां पे चल चुकी हैं। मेट्रो ट्रेनें जो है देखिए कितने शहरों में चल चुकी हैं, और उससे जो लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा हुई हैं, जो उनका टाइम बच रहा है वो भी कमाल है। और पाकिस्तान तो फिर अपनी आप मिसाल है, इसकी क्या बात करनी है। पाकिस्तान में तो हर चीज एक से बढ़कर एक है। आप किसी भी इदारे को देख लीजिए, अकेला रेलवे नहीं है, हर इदारे को देखिए। वो कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलस्तान क्या होगा। तो पाकिस्तान की तो बात ही ना कीजिए। तो खुशी है जी, वहां पे आए रोज जो है वो ट्रेनें चल रही हैं, एक से बढ़कर नई से नई और एक से बढ़कर एक चल रही है। जी बिल्कुल जी, हम देखते हैं कि वहां पे रोज नया दिन चढ़ रहा है, आने वाला सूरज उगता हुआ उनके लिए नई खुशखबरियां लाता है और हमारे लिए नई नई मुसीबतों के नए दौर खोलता है। और ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान, और वो है हमारा जो प्यारा हिंदुस्तान हो सकता था, लेकिन हमें उससे अलग कर दिया गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या मुसीबतें थी, लेकिन हो गया। लेकिन आज का जो पाकिस्तानी है वो इन सब चीज़ों पे किसको दोष दे, किसके कंधे पर सर रख कर रोए, उसको वो कंधा भी नसीब नहीं। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।